क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरा वार्म अप मैच कार्डिफ के सोफिया गार्डन स्टेडियम में खेला गया। भारत के लिए विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने भी भारतीय टीम को तगड़ी टक्कर दी। बीच के ओवरों में बांग्लादेश के बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की, खासकर लिटन दास और मुशफिकुर रहीम ने। लेकिन पारी के 40वें ओवर में कुलदीप यादव ने मुशफिकुर रहीम का विकेट निकालकर बांग्लादेश की टीम को तगड़ा झटका दे दिया, क्योंकि लिटन दास के आउट हो जाने के बाद शानदार लय में बल्लेबाजी कर रहे मुशफिकुर रहीम पर ही टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने का जिम्मा था। जी हां, 40वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव की एक गेंद को स्वीप करने की कोशिश में मुशफिकुर रहीम पूरी तरह से चूक गए और क्लीन बोल्ड हो गए। मुशफिकुर रहीम ने 94 गेंदों पर 90 रनों की पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के लगाए। इस दौरान उन्होंने लिटन दास के साथ 120 रनों की साझेदारी भी की। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए मुसद्दिक हुसैन को कुलदीप यादव ने पहली ही गेंद पर स्टंप आउट कराकर लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट निकाल लिए। जी हां, मुसद्दिक हुसैन को विकेटों के पीछे दिनेश कार्तिक ने शानदार अंदाज में स्टंप आउट कर वापस पवेलियन भेजा। ये इस मैच में तीसरी बार हुआ जब टीम इंडिया के 3 गेंदबाजों ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट निकाले। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट निकाले, उसके बाद युजवेंद्र चहल ने भी 2 गेंदों पर 2 विकेट निकाले। अब 40वें ओवर में कुलदीप यादव ने भी लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट निकाले, लेकिन तीनों में से कोई भी गेंदबाज हैट्रिक लेने में नाकाम रहा। मुसद्दिक हुसैन अपना खाता भी नहीं खोल पाए। Pulses, cereals, and rare spices are used in making world's famous and delicious Halim, Pista House Halim. Many national and international awards winner, Pista House Halim. Don't miss this Ramadan to savor the delicious and prestigious dish of Hyderabad. Don't forget to visit, lest you miss unique taste.